असलकम स्टूडेंट्स एज़ यू नो इन द प्रीवियस लेक्चर वी हैव डस इसमें फाइल सो इन टूडेज़ लेक्चर डेयर स्टूडेंट्स हम पढ़ेंगे इसमें मफूल बाद अज़ा हम इसमें फ़ाइल और इसमें मफूल नेज इसमें सिफ़त पर मेन जुमला मशक करेंगे यानि इन तीनों पर इसको कम्प्लीट करने के बाद हम मशक इन करेंगे तो आइए समझते हैं इसमें मफूल क्या होता है एज़ यू नो बच्चों मफूल को हम उर्दू में ऑब्जेक्ट के नाम से जानते हैं यानी जिस पर काम वाका हो जाता है जो एक्शन को रिसीव करता है उसको हम मफूल कहते हैं यानी अगर हम लिखेंगे यहाँ पर एक मिसाल अगर हम लिखेंगे कि अहमद ने खत लिखा प्यारे बच्चों अगर मैं अंडरलाइन ख़त को करूंगा जो ये ख़त है उसने एक्शन को रिसीव किया है तो इसलिए हम कहेंगे जो यहां पर ख़त आया है ये मफूल है इन्हें हम यहां लिखेंगे ये मफूल है तो इसीलिए मैंने बताया इसको ऑब्जेक्ट कहते हैं किसी बच्चे को अंग्रेज़ी में पता होता है तो इसलिए इसकी मदद से वो यहाँ भी आसानी के साथ समझ सकता है बात को तो अब हम इसमें मफूल की प्रॉपर तारीफ़ सुनेंगे बाबा इसकी तारीफ जो यहाँ रकम तराज है उस पर हम पहले बात करेंगे फिर उसकी मिसालों के साथ साथ इसके टाइप्स पर बात करेंगे तो बच्चों शुरू करते हैं इसमें मफूल क्या है वो इसमें मशतक पहला ही वर्ड यहाँ इसमें मशतक आया चाहे आप इसमें फ़ाइल की बात करें चाहे आप इसमें मफूल की बात करें ये दोनों मसदर से बने हुए होते हैं या ये दोनों मसदर से बनते हैं इसलिए ये मसदर से जब बनते हैं तो इसलिए ये मस, इसमें मशतक कहलाते हैं बच्चों इसमें कन्फ्यूजन वाली कोई बात है ही नहीं हम लिखेंगे अगर वो इसम जो मसदर से निकले वही मिसाल यहाँ भी है इसमें मशतक भी वही होता है जो मसदर से निकला होता है लिहाजा आपको इस वर्ड से कोई कबाहत कोई मुश्किल या कोई दूसरी टाइप की डेफिनेशन ये नहीं लगनी चाहिए वो इसमें मशतक अब हम दूसरे लफ्ज़ों में ये भी कहेंगे बच्चों वो मसदर यानी वो इसमें वो इसम जो मसदर से निकले अब क्या लिखा है वो इसमें मशतक जो इस ज़ात पर दलालत करे जिस पर फैल वाक़ा हो जिस पर फैल वाक़ा हो गया हो जो इस पर दलालत करे उसको हम कहते हैं फैल जैसे मैंने यहाँ मिसाल लिखी है अहमद ने ख़ लिखा जो ये ख़त है ये मफूल है क्या है बच्चों मफूल है अब मफूल और इसमें मफूल में फ़र्क है लेकिन अभी आप इतना याद रखें ये मफूल है अब मैंने मिसालें लिखी है यहाँ खाया हुआ तड़पा हुआ बोया हुआ सोया हुआ रोया हुआ मज़लूम अज़ीज़ तलबा व तालबात आपने एक चीज़ को यहाँ नोटिस किया होगा वो चीज़ क्या है यहाँ से देखिए जिस तरह मैंने इसमें फ़ाइल में आपको एक असूल एक रूल समझाने की कोशिश की थी वहाँ से वो बनता था यानी फाइल चाहे मसदर जो है यानी फ़ैल प्लस इसके साथ हम जोड़ते थे वहाँ वाला यहाँ जोड़ेंगे हम हुआ। वही यानी अगर मैं मज़दर लिखूंगा खाना जैसे कि आपको पता है इस खाना से ही बनेगा खाता भी इसी से बनेगा खाया भी तो खाना से बना है खाया बच्चों जब इससे खाया बना है प्लस हम जोड़ देते हैं हुआ वहां जोड़ते थे वहां जोड़ते थे हम वाला यहां जोड़ते हम हुआ वो ये पास्ट की अलामत बनती है ये माजी की अलामत बनती है यानी कोई फैल वाक़ा हो चुका है वो पास्ट में कहे वाक़ा हो चुका है इसलिए हम कहते हैं खाया हुआ जो है ये मफूल है क्योंकि ये इसमें मशतक क्यों है ये मजदर से यहाँ खाना जो मजदर है इसमें ना अलामत है नोनलफ ना तो ये बना है खाना से खाना से बना खाया हमने जोड़ा इसके साथ हुआ तो बन गए इसमें मफूल तो इसमें मफूल वही है जो मजदर से बनता है और फिर इसमें मफूल के माने देता है या उस जात की वजाहत करता है उस जात पर दलालत करता है जिस पर यहाँ फैल वाका हो गया हो या हो रहा हो तो इसीलिए हमने लिखा वो इसमें मशतक जो जात पर दलालत करे जिस पर फैल वाका हो इसी तरह से यहाँ तड़पना से तड़पा फिर हुआ बोना से बोया फिर हुआ तो बच्चों आप एक चीज़ नोटिस ज़रूर करेंगे यहाँ माजिये मुतलक समझना माज ये मुतल मीम तो लाम की यानी पास्ट टेंस के साथ साथ पास्ट फॉर्म या हम कहेंगे सेकंड फॉर्म के साथ साथ यहां पर हम फिर जोड़ देते हैं इसके साथ हुआ यानी को मैं यहां अंग्रेजी में भी लिखूंगा सेकंड फॉर्म सेकंड फॉर्म प्लस यानी वर्ब की वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस इसके साथ हम जोड़ते हैं बच्चों क्या हुआ वही मैंने यहाँ उर्दू में लिखा माजी मुतलक जो है यही मैंने उर्दू में भी लिखा कि मुतलक के साथ माजिए मुतलक प्लस हम लिखते हैं हुआ तो इसका मतलब वो बनता है क्या इसमें मफूल आप बात इन समझ गए होंगे कि मैं क्या आपको समझाना चाहता हूं बच्चों क्या हमने समझाया आपको हमने यही बताया जो इसमें मफूल होता है जो वर्ब होता है इसकी सेकंड फॉर्म लीजिए फॉर एग्जांपल यहां की मिसालों तड़पता ये प्रेजेंट फॉर्म है तड़पा तड़पा गो नो माज युक माज युक हावन बह दप तड़पा पे दप बहु बोया बहुत बोता अगर बह मैं बीज बोता हूं गो ये तो है हाल की बात ये तो प्रेजेंट सिंपल की बात लेकिन अगर मैं बताऊंगा उसने बीज बोया बन गया ना ये माजी ये खुद ही माजी बन जाता है तो बच्चों आप ये समझ सकते हैं कि यहां से ये माजी किस तरह बनता है आप इसको यहां समझने की कोशिश की करेंगे तो माजी मुतल के साथ क्या जोड़ते हैं हुआ जोड़ते हैं प्यारे बच्चों इसी तरह से आप गौर अगर करेंगे बोया है खाया है तड़पा है सोया है जो भी होगा अच्छा ये तो बन गई इसकी मिसाल है। अब मैंने यहाँ मजरूम लिखा अभी हम थोड़ी देर के लिए आप वेट करेंगे तो आपको ये मिसाल समझ आएगी तो जिस तरह हमने इसमें जो मफूल है मैं यहां लिखता हूं इसमें मफूल इसके दो टाइप्स है वन इसमें मफूल समाई इसमें मफूल कयासी दूसरा है इसमें मफूल समाई इसमें मफूल समाई हो गए दो बच्चों अब हम वहां से भी इसकी डेफिनेशन आपने पढ़ी तो इसी तरह यहां भी इसकी डेफिनेशन होगी पहले हम कयासी की बात करेंगे हम क्या लिखेंगे इसकी डेफिनेशन इसकी डेफिनेशन हम यहां लिखते हैं ये किसी मुकरर कायदे मुकरर ये किसी मुकर्र कायदे की रूप से की रूप से बनते हैं बनते बनते हैं इसीलिए इसको अब रूल क्या है रूल आपको पता है इसमें मफूल बनाने का कायदा मैंने बताया माजी मुतलिक का सेगा लगाने के बाद इसके आखिर में हुआ या हुई जोड़ देते हैं या हुए जोड़ देंगे ठीक है हुए किसी जगह जमा के साथ हुई मोनस के साथ हुआ तो मजाकर के साथ तो जाहिर से मैं यहां रूल फिर लिखूंगा रूल क्या है रूल तो यही है माज़िय मुतल पास्ट फॉर्म या सेकंड फॉर्म ऑफ़ वर्ब यानी फैल की दूसरी हायत माज़िय मुतलक ठीक है गोबर लिख यथस एस गो फॉर्म ऑफ वर्ब एस वी ठीक है सेकंड ऑफ वर्ब वबुज अथ प्लस कर्न हुआ अब किसी जगह हुई आ जाएगा मौनस के साथ किसी जगह हुए आ जाएगा, जाएगा जमा के साथ ये जमा के साथ ये की ये तो रूल के मुतो इसमें मफूल कायासी वो होता है जो एक रूल के तहत बनाया जाता है असूल के तहत बनाया जा। उसूल तो यही है यहां, इस फॉर्म के बाद हम हुआ जोड़ देते हैं तो वह हम इसको बनाते हैं इसमें मफूल अब इसमें मफूल कयासी समाई क्या है हम लिखेंगे ये किसी ये किसी खास असूल के तहत ये किसी खास असूल के तहत नहीं बनते हैं नहीं बनते हैं बल्कि ये अहल ज़बान से जिस तरह सुने गए हू इसी तरह इसी तरह यहां ये मुस्तमिन हूं ठीक इसी तरह यहां मुस्तमिल हूं तो बच्चों जानने की कोशिश करो जिस तरह हमने सुना आपको मैंने रूल बताया यहाँ तड़पा हुआ खाया हुआ सोया हुआ दौड़ा हुआ रोया हुआ आया हुआ इस तरह के अल्फाज इस तरह के अल्फाज आएंगे तो लेकिन जो मैंने यहां मजलूम वर्ड लिखा ये तो इस तरह नहीं है जिस तरह यहाँ रूल हमने अप्लाई किया बच्चों है ना जिस तरह हमने इसमें मफूल कयासी में रूल अप्लाई किया सेकंड फॉर्म ऑफ वो प्लस हुआ लेकिन यहाँ तो इस तरह है नहीं यहाँ तो ये यह कोई सेकंड यहाँ तो ऐसे वर्ड होंगे मजदर से निकलेंगे वगैरह लेकिन बच्चों ध्यान रखो फॉर एग्जाम्पल यहाँ मजलूम लिखेंगे हम मजलूम इसी तरह हम लिखेंगे मकतूब इसी तरह हम लिखेंगे मजबूर इसी तरह हम लिखेंगे मजबूर इसी तरह हम लिखेंगे हम लिख सकते हैं इसी तरह और भी मिसालें तो यहां से आप इनको अच्छी तरह याद रखेंगे फॉर एग्जाम्पल हम लिखेंगे मशकूर और भी आ सकती है इसमें मिसाले हजारों मिसाले हैं मशहूर मसरूफ मतरूफ चलो अभी इतना जानते हैं अगर आप गौर करेंगे फॉर एगजाम्पल ये जो मज़लूम है असल में वर्ड हमारे पास है ुम तु दू न सर यु कथ बनीम हमें मजदर्म ये चुड़ ऐं मज बोल प मललूम गए वड़ मज इसम फायल त बनान इसम मफूल त नीहन तु ु ग गोबर जालिम बम स मफूल वहाँ जालिम मे क्या छुपा चुपा वन लाखन बह व तो थोड़ा बहुत सू सम करने वाला बने न फायल करने वाला जो माने देता है वो क्या बनता है इसमि फायल बनता है अब जिस पर काम हो गया है वो क्या माने देगा मजलूम मूम जिस पर ुम किया गया गो यथ नेरन किया हुआ या किया गया किया हुआ या यह किया गया मैं किया यह यानी माना किया गया, गया पर या लुम किया हुआ जिस कह वो गोबुर तम वनो मूम गो मलूम गोबुर्म बोम गसलबियस मन तम अलफाज् मसदर यम से हर्फी अलफाज से सेह हर्फी गई त्रे अलफा बिटवल आ हरफी कमो गबु जिसमें तीन अल्फाबेट्स होते हैं उनको हम कहते हैं फी थी थ्री एल्फाब वर्डस तो यहां से है ना जुल्म में अब मकतूब को देखिए असल में एक वर्ड है कतब की इसी से निकला है कातिब। इम्न सारे वर्डन चुन इस फायल त मफूल वहीं ना तु रूल वी तो, तो ज्यादा समझ टॉपिक वु सक कतब अम कातिब कातिब काब जो लिखने वाला है अम मरे मकतूब जो लिखा गया है लिखा हुआ यानि खत लिखा हुआ तथ् मकतूब गो मूब इसम मफूल तिक अत कर्म काब् कर गो इसम मफूल मगर बनेमु कुतबू मड़ कु न क्या यं कतब् वन गुुर्म थो याद ये थी तो यह सो समझ इसम मफूल गोबुर मजबूर तल क्यू तुम्हें गौर यस असली चु ग ग गबुुर्ड जबर क्या वड जीम, चुना जीम आख, आख बै जबर ना ये म्रे एल्फाब इम् हरूफ तहजी वनो त्रेूफ तहजी जीम बहते रेह ब्या गई ना त्रे तो अर् फिक मजबूर गबुुर् मजबूर अमसा जबर मज बुत जबिर गो जब अगर अगर माने लखर जबर करने वाला गोना गोबर जाबर जबर करने वाला सहु कह बे जबिर सहु ना इसमें फायल मगर मजबूर क्या गो यह पास्ट माने यह दी माज माने एम्स पे मजबूर मीज मजबूर मीज जिस पर जबर किया जाए जबर किया जाए उसको हम कहते हैं मजबूर तला ग वोशो मशकूर मशकूर क्या चु? असली वोबुर्श शाश गोबुर्थ मड़ क्या चु? शिक्षा त्रे अलफाब अं एमशो दरूमत शाकिर शाकिर गो सु यु शुक्र करे शुक्र करने वाला शुक्र करने वाला क्या कहलाता है बच्चों शाकिर जो शुक्र जिसने शुक्र किया समझन सुतय तो शुक्र किया गया या जिस जो शुक्र जिसने शुक्र किया दिसन ना पाष्टक माने अदिय छु नतिल गो एस्तोर फिकरे एस्तोर फिकरे मसलन ऐशा को अको यथ मिसाल ब्या मिसाल फार एग्जांपल बस वर्ड वाड़ा बह लख गो कतल क्या लख कतल कतल मज कमु कब तो यो समझ, कतल मज बमुत कतल्य बोमुत मकतूल तल सू गए बल आज अथ माने करने वाला कतल करने वाला गो का इसमें फायल अब मंशु बने मुद मफ ये मकतूल मकतूल क्या हो कातल किया गया या कातल किया हुआ तो इतने माने में क्या उन्होंने बताया यदि माने या किया हुआ यादि किया गया तो वैसे अच्छी शुपाष्ट माने दिवन इस शुपारण इसमें मफूल समाई अर्थमान शीम वर्ड्स ये वन अर्थमान रूल्स रूल इस फालो प्यावन कारण तो इतने पूर्व ध्यान गोबर मिसाल इस � यु अल जोड़न। मगर तौ य पी बि तशकिल कह पि तु अ रूल सम आमुत या तुकन पे अकस वजन तहत लफ मिसफूल इम्न तफूल कि वजनस पे युम तलफाज आ मजलूम अफूल वजन मकतूब मजबूर मशकूर तो मकतूल इम सी लफजन कस वजन इम् चु। ग गोबुर इन Uh, क्या से था था ना? ये वन मफूलक वजन गफूलक वजन तमिक मतलब क्या गो? गुक मतलब गफूलक वजन आश इस मफूल इसमि मफूल कृप सरूरी मस्दर छो त मस्दिर मंसा बुत स बुत मं मस्दर्स मंस क्या चेंज आज तथा एडिशन डिलीशन तथ वु इथ प खया खा खज थोड़ा डिलीशन कर् खा एथी मगर खा ताह बन अदल या बन पास्ट फार्म इथान अंग्रेजी मे ई डी से एड कहे या कुनि ई एन एड कर मुख्तलि मुख्तलिफ तरह एड कह पि मिसाल इथे पे गई यथस यून समझ कजन अजनस मंजूर अजनस मंजूर इथे प गबु अथ वजनस प म म म म म म म म मंूर अथ वजनस प इथ प फार एगजामप मकबूल मीम का वहा मूल गो मूल तस्म मफूल मंजूर क्या मंजूर क्या नजर किया गया मकबूल कबूल किया गया दी न पाट माने अनेे पास्ट बिजन पे गो यह वजन पं अलफाज कम वजन पसमि मफूल कि वजन पीडिय लुछन तुम मफूल पट कर वीडियो लेचरस मं कथ बेह कहवि मशिक इसम फायल्स पे मफूलस पे यह तुम वन तथप यून सम्य तुद्स डेकस लखन तो, तो युन युन टेंशन क्या हेन की जरूरत असल्क